उत्तर प्रदेश हो या देश विदेश, लाइफ स्टाइल हो या मनोरंजन जगत, हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें हमारे मोबाइल ऐप अलाइव 24 न्यूज को। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लोटन राम निषाद ने भगवान राम को लेकर विवादित टिप्पणी की है। निषाद ने भगवान राम को फिल्म के पात्र जैसा काल्पनिक बताया। उन्होंने भगवान राम में आस्था नहीं होने के साथ साथ अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि संविधान भी मान चुका है कि प्रभु राम जैसा कोई नायक भारत में पैदा ही नहीं हुआ। अब आप ही सुनिए, जिनके नाम में ही राम लगा है, उन्होंने कैसे भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा दिए। मेरी अगर आस्था है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में है, कर्पूरी ठाकुर में है, छत्रपति साहू जी महाराज में है, जिनसे हमें बोलने का, हमें नौकरियों में जाने का, पढ़ने का, लिखने का, कुर्सी पर बैठने का अधिकार संविधान से मिला है, ज्योतिबा फूले से मिला है, सावित्रीबाई फूले से मिला है। इसलिए जिनसे मेरा डायरेक्ट लाभ हुआ है मैं उनको जानता हूं। मैं राम थे कि नहीं थे, राम के अस्तित्व पर भी मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं कि राम को लोग कहते हैं दशरथ बेटा, राम राम एक काल्पनिक पात्र हैं, जैसे फिल्म की स्टोरी बनाई जाती है वह उसी तरह से राम एक स्टोरी के पात्र हैं। राम का कोई अस्तित्व नहीं है। संविधान भी कह दिया है कि राम कोई नायक पैदा नहीं हुए थे, भारत में कोई राम नाम का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।